बेगूसराय में शिक्षा के मंदिर को दागदार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें अपने वेतन के मांग करने पर स्कूल के प्राचार्य ने गार्ड के द्वारा एक शिक्षक की जमकर पिटाई करवा दी। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल पर महिला शिक्षकों ने गलत नीयत से मीटिंग के बहाने रात में कमरे में बुलाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित शिक्षक ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना लाखो थाना क्षेत्र के शाहपुर स्थित तक्षशिला विद्यालय की है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। प्राचार्य की दादागिरी से कुरुक्षेत्र में तब्दील हुआ यह विद्यालय देश के नामचीन निजी विद्यालयों में से एक तक्षशिला विद्यालय है। देखा जाए तो हाल के दिनों में यहाँ पढ़ाई कम दादागिरी अधिक होने लगी है। दरअसल एक माह पूर्व प्राचार्य एस एल दास पर छात्रों सहित शिक्षकों ने भी विपरीत व्यवहार का आरोप लगाया था। छात्रों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान प्राचार्य के आने के बाद स्कूल की विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब विद्यालय के प्राचार्य दादागिरी पर उतर आए हैं, शिक्षकों के वेतन मांगने पर गार्ड के द्वारा उनकी पिटाई करवाते हैं। ऐसे ही 18 अक्टूबर को जब अरवल निवासी कला एवं आर्ट के शिक्षक विजय कुमार ने अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने के कारण विद्यालय प्रबंधन से वेतन की मांग की, तो इस पर प्राचार्य एस एल दास में स्कूल के गार्ड रुपेश कुमार एवं एक अन्य को बुलाकर शिक्षक विजय कुमार की जमकर पिटाई करवा दी। इस पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अभी तक भी प्राचार्य एस एल दास पर विद्यालय प्रबंधन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब छात्र पीड़ित शिक्षक विजय कुमार के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और विद्यालय प्रबंधन तथा प्राचार्य से इस पिटाई के कारण की मांग करते हुए उन्हें इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से विद्यालय में शैक्षणिक का कार्य बंद है। पहले अंदर गए सर, रिजिग्नेशन लेटर दिए हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि This is related with issue that occurred on 18th October. लेकिन सर रीजन देने के लिए तैयार नहीं है, बस हम लोग को रीजन चाहिए और न्याय चाहिए। हम लोग का कहना है कि ये गार्ड कैसे आ गया अंदर, सर ये कोई कि हम बुलाएं या वो कैसे आ गया। आप लोगों का क्या चीज का विरोध है सर? विरोध क्या चीज का है आपका? विरोध ये प्रिंसिपल हटाओ और ये क्यों मारा गया सर, हमको रीजन चाहिए बस सर। और गार्ड कैसे अंदर आ गया? वहीं महिला शिक्षकों की माने तो विद्यालय के प्राचार्य एस एल दास रात्रि 8 बजे के बाद मीटिंग करने के बहाने महिला शिक्षकों को अपने कमरे में बुलाते हैं तथा भद्दी भद्दी बातें भी करते हैं। महिला शिक्षकों का आरोप है कि वर्तमान प्राचार्य एस एल दास के आने के बाद अब विद्यालय में महिला शिक्षिकाएं सुरक्षित नहीं है। हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन सर ने आज जब हम लोग बोल देते कि हम क्लास नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने स्कूल को कोई भी पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। आज बच्चे आए और हम लोगों ने क्लास नहीं किया, जिस वजह से बच्चे आज जो है अपना ये जानने के लिए कि हम लोगों का क्लास कब तक। आपका क्या नाम है मैम? श्रीमती विजयालक्ष्मी। ये मतलब जब से आए हैं प्रिंसिपल तभी से समस्या है या सर? नहीं सर, जब से ये आए हैं तब से, आज इनका आए हुए हमको लगता है एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आते ही तनावशाही रवैया इनका शुरू है। और हर टीचर को कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा। लेडीज टीचर जो हॉस्टल में है उन्हें रात के 8 बजे 9 बजे अपने रूम में बुलाते हैं कि आइए मीटिंग करेंगे। मतलब इस तरह का इनका जो है पूरा ऐसी बातें जो कि ठीक है, एक अपने आप को बोलते हैं हम पिता तुल्य हैं, लेकिन बेटी के बेटी जैसे उम्र की लड़कियों के साथ ऐसी बातें करते जो कभी एक पिता नहीं कर सकता है बात। वहीं विद्यालय के प्राचार्य पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हैं। विद्यालय प्राचार्य एस एल दास के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे विद्यालय शर्मसार हो। उनके द्वारा शिक्षकों को जब ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है तो इसी से आक्रोशित होकर शिक्षक प्राचार्य पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बातों बातों में एस एल दास ने पत्रकारों से भी स्पष्ट रूप से कहा कि आपको जो छापना है छाप दीजिए, मुझे किसी का डर नहीं है। वहाँ का नंबर दे देता हूँ, आप एमपी साहब से बात कर लीजिए। नहीं, कहीं से जानकारी चीज मिली थी सर? कभी कभी फॉल्स जानकारी मिलती है और उसको आप न्यूज बनाएंगे तो आप बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सच तो सच है, मैं पटना सेंट्रल स्कूल में था, मैं कृष्णा निकेतन में था, मैं चेयरमैन का सेक्रेटरी का फोन देता हूँ, आप पूछ लो, मैं 18 साल काम किया हूँ।
की सूचना मैंने पूर्व ही दे दी थी, जिस दिन हुई थी उसी दिन। और डिजाइन लेटर भी आप वहाँ भेज दिए? जी नहीं, डिजाइन लेटर अभी बच्चों ने जबरन कराया। फिर आप कहते हैं मैं डिजाइन दे दिया? दे दिया था। अभी बच्चे जबरन आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी प्रोसेस में डालूंगा, ये तुरंत हुआ है सेकंड में आपके आने से 2-3 मिनट पर। चूंकि इस विद्यालय में इसके पूर्व कभी इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली है, और आपके आगमन के बाद से ही ये समस्या क्यों आने लगी आखिर? इस स्कूल की विडंबना नहीं कि 2011 से स्कूल चल रही है, लेकिन फिर भी आज 300 बच्चे इसकी विडंबना को भी पूरे ढंग से आंकलन किया गया। और मैं बता रहा हूँ कि समय जब बदलता है, समय कभी विपरीत होते हैं। ठीक सर, और आप पर एक आरोप ये भी लगा है कि पूर्व में भी आप जिस विद्यालय में थे वहाँ भी आपका यही रवैया रहा था, जिसके कारण विवाद वहाँ भी आप विवाद को घेरे में रहे। जी नहीं, मैं आप उनका नंबर दे देता हूँ चेयरमैन साहब का, मैं MP साहब के स्कूल में था, वैशाली MP, ये पाटलिपुत्रा में है। वजह चाहे जो भी हो या फिर सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन CCTV फुटेज तथा छात्रों के द्वारा बनाए गए वीडियो से इतना स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के इस मंदिर में अब पठन पाठन का कार्य कम लेकिन वैसे कार्य अधिक हो रहे हैं जो कहीं से भी छात्रों के हित में नहीं है। जरूरत है विद्यालय प्रबंधन के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस मामले में संज्ञान लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट, पटना। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? यस। आई लाइक सरप्राइजेस, बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।